हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग वर्ड पार मेड इजी की डिक्शनरी को कंप्लीट कर रहे हैं और इस आज की ये जो वीडियो है उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और इसमें हम लोग वोकैबुलरी को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, द वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी अमन त्रिवेदी और इसमें हम लोग वर्ड पार मेड इजी की डिक्शनरी का डिस्कशन कर रहे हैं। डिक्शनरी मतलब जो उसके पीछे के पार्ट में दिया गया है, बाकी की किताब हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। ये मेरे कुछ अनअकैडमी प्लस पर आने वाले कोर्सेज हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हो। कंप्लीट इंग्लिश का बैच है जो कि आपका मेरा मंडे से शुरू हो रहा है, जिसमें रात में 8 बजे क्लास होगी। इडियम्स एंड फ्रेजेस का बैच है, लूसेंट की पॉलिटी की कंप्लीट समरी है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का बैच है, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बैच है, पैराजम्बल्स का बैच है और आपका एरर डिटेक्शन का बैच है। इन सभी बैचेस में एनरोल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं AMANT। इसके अलावा अनअकैडमी पर SSC CGL और CHSL के लिए एग्ज़ाम के लिए अचीवर्स बैच आ रहा है, जिसमें आपको 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसमें आपको ये सारे टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं और इसमें आपकी सारी क्लासेस आपको शेड्यूल्ड तरीके से मिल जाएंगी। अगर आप मेरा ये कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 6000 का कोर्स आपको सिर्फ 5400 रुपीज़ में मिल जाएगा। एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारे टीचर्स मिल जाते हैं, सभी कोर्सेज मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। शुरू करते हैं आज की डिक्शनरी को। आज का पहला शब्द हमारा है, फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट इज बहुत सिंपल सा वर्ड है, सुटेबल और एक्सेप्टेबल, करेक्ट फॉर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, जो किसी के लिए सुटेबल है उसे कहते हैं एप्रोप्रिएट। जैसे कि आपने ये उपयुक्त बात नहीं कही यहाँ, ये एप्रोप्रिएट बात नहीं कही, उसे कहते हैं एप्लीकेबल, आप्ट, बिकमिंग, बिफिटिंग, फेलिसिटीज, आपका फिट, गुड या हैप्पी होता है। बिफिटिंग रिप्लाई देना मतलब एकदम उपयुक्त रिप्लाई देना किसी को, उस सेंस में आता है। जवाब देना, बिफिटिंग जवाब दिया, उस सेंस में आएगा। एंटोनिम हो जाएगा एरोगेट, कमांडर, कन्वर्ट, एक्सप्रोप्रिएट, पायरेट या प्रीएम्प्ट। ठीक है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ध्यान रख सकते हैं, स्पोर्ट क्लोथ्स आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर अ फॉर्मल वेडिंग। स्पोर्ट क्लोथ आपके फॉर्मल वेडिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। एडवर्ब क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएटली। तो एप्रोप्रिएटली क्या हो जाएगा, किसी भी एडजेक्टिव में मैंने आपसे क्या कहा है, अगर एडजेक्टिव में ly लगाओगे तो वो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। तो इसीलिए एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएटली इज द करेक्ट वर्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आप लोग सभी तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो। तो नेचुरल एबिलिटी और स्किल एट डूइंग थिंग्स इज कॉल्ड, आपका डूइंग समथिंग इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपकी किसी भी कार्य को करने की जो नेचुरल एबिलिटी और स्किल होती है उसे हम आपका एप्टीट्यूड कहते हैं। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी एप्टीट्यूड चेक होता है, यानी कि जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है किसी काम को करने की वो कैसी है, इसको हम चेक करते हैं। सिनोनिम्स आपके क्या हो जाएंगे, अफेक्शन, एफिनिटी, बेंट, डिवाइसेस, डिस्पोजिशन, जीनियस, हैबिट्यूड, आपका इम्पल्स। एंड एग्जाम्पल हो जाएगा, माई सन हैज़ नो लिटिल एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट। यानी कि मेरे जो सन के अंदर, सन में जो एप्टीट्यूड है, जो उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन है फॉर टूवर्ड्स सॉल्विंग एनी टूवर्ड्स स्पोर्ट्स इज़ वेरी लेस। तो लिटिल और एप्टीट्यूड मतलब एक तरीके से नेचुरल एबिलिटी और स्किल होना किसी काम को करने की। नेक्स्ट आता है आपका आर्बिटर। आर्बिटर किसे कहते हैं, अ पर्सन विद द पावर और इन्फ्लुएंस टू मेक जजमेंट्स एंड डिसाइड वट विल बी डन और एक्सेप्टेड इज कॉल्ड आर्बिटर। वह व्यक्ति, अ पर्सन विद द पावर और इन्फ्लुएंस टू मेक जजमेंट, यानी कि वह व्यक्ति जिसमें शक्ति हो और इन्फ्लुएंस हो किसी भी जजमेंट को लेने का और डिसाइड करने का, वट विल बी डन और एक्सेप्टेड इज कॉल्ड आर्बिटर। ठीक है, तो आर्बिटर क्या हो गया आपका, आर्बिटर वह व्यक्ति जो जिसमें आपकी क्षमता है किसी भी कार्य को इन्फ्लुएंस करने की। अ पर्सन विद द पावर और इन्फ्लुएंस टू मेक जजमेंट्स एंड डिसाइड वट विल बी डन और एक्सेप्टेड इज कॉल्ड आर्बिटर। सिनोनिम हो जाएगा एडजुडिकेटर, आर्बिट्रेटर, जज, रेफरी या एम्पायर। गवर्नमेंट विल बी द फाइनल आर्बिटर इन द डिस्प्यूट ओवर द न्यू रोड। तो गवर्नमेंट जो है वो फाइनल आर्बिटर होगी, फाइनल जजमेंट लेगी इस चीज़ में, फाइनल जज होगी इस तरीके से। तो आर्बिटर आप इसे सिनोनिम जज के रूप में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका आर्बिट्ररी। तो आर्बिटर से ही बन गया आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब क्या हो जाता है, नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन, सिस्टम और प्लान, एंड समटाइम्स सीमिंग अनफेयर।
जैसे मैंने ये चीज़ें आर्बिट्री रूप में चूज़ की हैं, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी सिस्टम, विदाउट एनी प्लान, और उनको बस आपको रैंडमली चूज़ कर लेना, उसे कहते हैं आर्बिट्री। तो सिनोनिम हो जाएगा डिक्टेटोरियल, हाई हैंडेड, इम्पीरियस, आपका प्रीएम्प्टरी, विलफुल। एग्जाम्पल हो गया द चॉइस ऑफ प्लेयर्स फॉर द टीम सीम्ड कम्प्लीटली आर्बिट्री। तो प्लेयर्स के लिए जो चॉइस है वो टीम की, वो कम्प्लीटली आर्बिट्री प्रतीत होती है, मतलब बिल्कुल ही बायस्ड प्रतीत होती है, आपकी कोई भी लॉजिक नहीं है, बहुत ही अनफेयर प्रतीत होती है। तो आर्बिट्री का मतलब काइंड ऑफ इस तरीके से चूज करना जो अनफेयर लग रहा हो। नेक्स्ट आपका है आर्केन। आर्केन का मतलब क्या हो जाता है, आपका सीक्रेट, सीक्रेट एंड मिस्टीरियस एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही मिस्टीरियस है, और इसलिए बहुत समझने में भी मुश्किल है। जैसे कि डार्क वेब सीरीज़ अगर आप लोगों ने देखी होगी तो काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी सीक्रेट है, और आपकी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो जिसे कहते हैं आर्केन। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। देखो आप लोग अभी जब पढ़ते हो तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनमें से जब शब्द आपको एग्जाम में दिखेंगे आपको लगेगा कि अरे यार ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सर ने कराए थे, हमने याद नहीं किए। तो आर्केन का मतलब हो जाता है सीक्रेट एंड मिस्टीरियस एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिनोनिम क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रूस, डीप, एसोटेरिक, हर्मेटिक, प्रोफाउंड, रिकॉन्डाइट आपका, और एंटोनिम हो जाएगा शैलो एंड सुपरफिशियल। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड ऑल द आर्केन डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट। यानी कि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने सारी मिस्टीरियस डिटेल्स को, एग्रीमेंट को समझा, सीक्रेट और मिस्टीरियस। नेक्स्ट है आर्काइक। तो आर्काइक मतलब होता है आपका ओल्ड एंड नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज़ जो बहुत ही पुरानी है और अब इस्तेमाल में नहीं आती है, तो इसके लिए सिनोनिम जरूर याद रखिए इसके, एंटीकेटेड, आउटडेटेड, आउटमॉडेड, डिमॉड, डिमॉडेड, फॉसिलाइज्ड, एंटीकेटेड, डेटेड, डिमॉड, डिमॉडेड, फॉसिलाइज्ड, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। द सिस्टम इज अनफेयर एंड आर्काइक एंड नीड्स चेंजिंग। तो सिस्टम बहुत ही पुराना हो चुका है, बहुत ही अनफेयर हो चुका है और उसे बदलना है। तो आर्काइक मतलब जो बहुत पुराना हो गया है, दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। नेक्स्ट आता है आर्केटाइप, आर्चटाइप। तो आर्केटाइप मतलब हो जाता है द मोस्ट टिपिकल और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड आर्केटाइप। ठीक है, तो आर्केटाइप मतलब हो गया किसी भी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल होना और बहुत ही एकदम टिपिकल एग्जाम्पल होना, उसे कहेंगे आर्केटाइप। ठीक है, द मोस्ट टिपिकल और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड आर्केटाइप। सिनोनिम हो जाएगा एंसेस्टर, एंटीसीडेंट, डैडी, फोरगोअर, फोररनर, प्रिकर्सर, प्रेडिसेसर आपका, प्रोटोटाइप। एंटोनिम हो जाएंगे डिसेंडेंट। फ्रांस इज द आर्केटाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड नेशन स्टेट। तो फ्रांस इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रलाइज्ड नेशन स्टेट। आर्केटाइप मतलब हो गया टिपिकल एग्जाम्पल होना किसी चीज का। ठीक है, नेक्स्ट है आर्डेंट। सो ही इज माई आर्डेंट फॉलोअर, मतलब बहुत ही एंथुजियास्टिक एंड शोइंग स्ट्रांग फीलिंग्स अबाउट somebody और समथिंग इज कॉल्ड आर्डेंट। इज एन आर्डेंट फॉलोअर मतलब पक्का फॉलोअर है, पक्का भक्त है। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा ब्लेजिंग, बर्निंग, चार्ज, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इमोशनल, फर्वेंट, फर्विड, फीवरिश आपका। एंटोनिम हो जाएगा कोल्ड, कूल, डिस्पैशनेट एंड इमोशनलेस, इम्पैसिव एंड अनइमोशनल। फॉर एग्जाम्पल ही शी इज एट हर्ट एंड अर्ड आर्डेंट रिफॉर्मर। तो वह दिल से बहुत ही आर्डेंट रिफॉर्मर है, बहुत ही एंथुजियास्टिक एंड शोइंग स्ट्रांग फीलिंग्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड आर्डेंट। नेक्स्ट है आर्डुअस। तो जैसा मैंने बताया, अगर ओ यू एस लगता है तो क्या बनता है, एडजेक्टिव। तो आर्डुअस का मतलब क्या हो जाएगा, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी स्पेशली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक लंबे समय के दौरान जो एक काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी को कर रहा है उसे कहेंगे आर्डुअस। तो आर्डुअस मतलब हो जाता है मेहनती, ठीक है, परिश्रमी। ठीक है, तो परिश्रमी कह सकते हैं इसे आप, या मेहनती कह सकते हैं। सिनोनिम हो जाएगा ऑगेन, बैक ब्रेकिंग, चैलेंजिंग, डिमांडिंग, डिफिकल्ट, एफर्टफुल, एग्जैक्टिंग आपका। एंटोनिम हो जाएगा चीप, इजी, एफर्टलेस, फेसाइल, लाइट, माइंडलेस, सिंपल। शी अंडरटुक द आर्डस्ट टास्क ऑफ मॉनिटरिंग द इलेक्शन। यानी कि उसने जो आर्डस्ट टास्क, जो मुश्किल कठिन टास्क था इलेक्शंस को मॉनिटर करने का, उसने उसे ले लिया। तो आर्डस्ट मतलब कठिन, डिफिकल्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा एरिस्टोक्रेटिक। तो क्रेटिक, आई सी लगे आएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टो का मतलब हो जाता है नोबल ब्लड, ठीक है, ब्लू ब्लड या नोबल ब्लड।
तो एरिस्टोक्रेटिक का मतलब हो गया बिलोंगिंग टू और टिपिकल ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, यानी कि बहुत ही राजसी शासन से रिलेटेड होगा एरिस्टोक्रेटिक। सिनोनिम हो जाएंगे एलिटिस्ट, हाई हैट, परनिकिटी या ठीक है परनिकिटी इसको लिख लीजिए, रिजी, स्नोबिश, स्नोबी, स्नूटी, स्नॉटी। ही हैज एन एरिस्टोक्रेटिक डिजडेन फॉर मनी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक राजसी डिजडेन फॉर मनी है आपका आप बहुत ही डिजडेन है फॉर मनी। नेक्स्ट है आपका आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब हो जाता है क्लेवर एट गेटिंग व्हाट यू वांट समटाइम्स बाय नॉट टेलिंग द ट्रुथ, यानी कि कुछ बहुत ही चतुर है, बहुत ही आर्टफुल है, बहुत ही चतुर है किसी कार्य को कराने में, कि क्लेवर है, आप जो चाहते हैं आप वो तो पा लें समटाइम्स बाय नॉट टेलिंग द ट्रुथ, उसे कहते हैं आर्टफुल। तो बिगाइलिटी, केजी, क्राफ्टी, कनिंग, क्यूट आपका डिजाइनिंग या डीवीएस आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंड एंटोनिम हो जाएगा आर्टलेस, गाइललेस, इंजेन्यूअस, इनोसेंट या अनडिजाइनिंग। ही हैज शोन हिमसेल्फ टू बी एन आर्टफुल पॉलिटिशियन, वह अपने आप को एक आर्टफुल पॉलिटिशियन के रूप में प्रेजेंट कर चुका है, जो अपनी बात तो आसानी से कह देता है, कई बार जो अपना चाहता है वो तो करवा लेता है, लेकिन कई बार सच को ना बता के और बच के निकल जाता है, तो काफ़ी चतुर और काफ़ी कनिंग टाइप का व्यक्ति कहा जाएगा आर्टफुल। नेक्स्ट है आर्टिफाइस। तो आर्टिफिस का मतलब हो जाता है द क्लेवर यूज ऑफ ट्रिक्स टू चीट समबडी, किसी को चीट करने के लिए क्लेवर यूज ऑफ ट्रिक्स जो हैं उसे हम कहते हैं आपका उसे हम कहते हैं आर्टिफिस। सो द क्लेवर यूज ऑफ ट्रिक्स टू चीट समबडी, किसी को चीट करने के लिए जो क्लेवर यूज ऑफ ट्रिक्स है उसे कहते हैं आर्टिफिस। सिनोनिम हो जाएगा डिवाइस, डॉज, फेच, फिम फैन, फ्लैन, गैम्बिट, गिमिक, जिग, जगल, नैक या प्ले। प्रिटेंडिंग टू फेंट वॉज मेयरली आर्टिफिस, तो ये बहाने ये दिखावा करना कि वो फेंट हो गया है इस तरीके से एक्टिंग करना, इट वॉज मेयरली एन आर्टिफिस, ये सिर्फ क्लेवर यूज ऑफ ट्रिक्स था किसी को चीट करने के लिए। नेक्स्ट है एस्केडेंसी। एस्केडेंसी का मतलब होता है द पोजिशन ऑफ हैविंग पावर और इन्फ्लुएंस ओवर समबडी और समथिंग, किसी के ऊपर आपका पावर और इन्फ्लुएंस होना उसे कहते हैं एस्केडेंसी। सिनोनिम हो जाएगा एस्केडेंस, डोमिनेंस, डोमिनेशन आपका, डोमिनियन, हेजेमनी, एम्पीरियन, प्रीडोमिनेंस। और बटलर इस्टेब्लिश एस्केडेंसी ओवर हिज क्रिटिक्स, तो एस्केडेंसी का मतलब होता है एक तरीके से डोमिनेंस होना किसी के जगह पर, तो पोजीशन ऑफ हैविंग पावर और इन्फ्लुएंस ओवर समबडी, किसी के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस होना, आपका पावर होना, उसे कहते हैं एस्केडेंसी। नेक्स्ट है आपका एस्केटिक। तो एस्केटिक का मतलब हो जाता है अ पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर, जो बहुत ही अपने आप को बहुत ही बंधन में रखता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से रखता है बिना किसी फिजिकल प्लेजर के, उसे हम कहते हैं एस्केटिक, स्पेशली फॉर अ रिलीजियस रीजन, किसी रिलीजियस रीजन्स की वजह से उसे कहेंगे एस्केटिक। सो दे लिव अ वेरी एस्केटिक लाइफ, यानी कि बहुत ही आपकी साधु संतों वाले जीवन जीते हैं, ठीक है। तो एस्केटिक मतलब साधु संतों वाला जीवन, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, रेस्ट्रिक्ट रहता है, ना लोगों से ज़्यादा मिलता है, ना ही उसे प्लेजर से ज़्यादा मतलब है, अपना साधु संतों जैसा रहता है। नेक्स्ट है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब भी हो जाता है परिश्रमी। एसिडुअस का मतलब है परिश्रमी, जो बहुत मेहनत करता है, वर्किंग वेरी हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर दैट एवरीथिंग इज डन एज वेल, सब कुछ को अच्छे से किया जाए एज वेल एज इट कैन बी। सिनोनिम हो जाएगा एक्टिव, बसलिंग, बिजी, डिलीजेंट, एम्प्लॉयड, एंगेज्ड, होपिंग, इंडस्ट्रियस। एंटोनिम हो जाएगा आइडल, इनएक्टिव, अनबिजी, अनएम्प्लॉयड, अनऑक्यूपाइड। द गवर्नमेंट हैज़ बीन एसिडुअस इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट लड़ने में गवर्नमेंट काफ़ी परिश्रमी रही, काफ़ी कठिन परिश्रम कर रही है। नेक्स्ट है आपका एसिमिलेट। तो एसिमिलेट का मतलब होता है, जैसे कि मैं सारी वोकैबलरी आप सभी को बता रहा हूँ, यू गाइज आर ट्राइंग टू एसिमिलेट ऑल दिस फैक्ट्स एंड एसिमिलेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। सो एसिमिलेट का मतलब होता है टू फुल्ली अंडरस्टैंड एन आइडिया और इन्फॉर्मेशन और सम इन्फॉर्मेशन सो दैट यू आर एबल टू यूज इट योर सेल्फ। सिनोनिम हो जाएगा एनालोगाइज, ब्रैकेट, कंपेयर, इक्वेट, लाइकन। एंटोनिम हो जाएगा कंट्रास्ट। सम फॉरेनर्स एसिमिलेट ईजिली, यानी कि कुछ फॉरेनर्स जो हैं जल्दी से बात को ग्रहण कर लेते हैं, तो किसी इन्फॉर्मेशन को समझना, एक्सेप्ट करना, उसे ग्रैस्प करना क्या कहलाता है, एसिमिलेट करना। जैसे यू गाइज आर ट्राइंग टू एसिमिलेट दीज कॉन्सेप्ट, दीज वोकैबलरी, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है एसुआज। एसुआज का मतलब होता है टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस सीवियर, किसी को किसी के दुख परेशानी को कम करना, एसुआज, मिटिगेट, यानी आपका सारे वर्ड एमिलोरेट, ये मैंने आप पढ़ाए हैं, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा एले, एलिविएट, ईज, हेल्प, मिटिगेट, मॉलीफाई,
पैलिएट रिलीव या सूद मतलब होता है काम करना, किसी की दुख परेशानी को कम करना, काम मतलब CALM। एंटोनिम हो जाएगा एग्रोवेट एग्जेसरवेट मतलब स्थिति को बद से बदतर कर देना। टॉकिंग टू हर हेल्प टू असुआज माई गिल्ट, मेरे गिल्ट को कम करने में थोड़ी मदद की। नेक्स्ट है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है वेरी क्लेवर, वेरी कनिंग, वेरी क्लेवर होना, बहुत ही चतुर होना, बहुत ही कनिंग होना, धूर्त किस्म का होना, क्विक एट सीइंग व्हाट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन स्पेशली हाउ टू गेट एन एडवांटेज, यानी कि आप अपना भला देखने की कोशिश बहुत जल्दी से करते हो, बहुत ही कनिंग है, बहुत ही चतुर होना, उसे कहते हैं एस्ट्यूट। सिनोनिम हो जाएगा कैनी, क्लियर आइड, क्लियर साइटेड, हार्ड बॉइल्ड, हार्ड हेडेड, हेडी, नोइंग या सेवी। और एंटोनिम हो जाएगा अननोइंग। ही मेड अ सीरीज ऑफ एस्ट्यूट बिजनेस डिसीजंस, यानी कि बहुत ही क्लेवर, बहुत ही कनिंग बिजनेस डिसीजंस लिए। नेक्स्ट है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समबडी समथिंग स्पेशली योर एनिमी वीकर बाय रिपीटेडली अटैकिंग देम और क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर देम, यानी कि अपने एनिमी को कमज़ोर करना, बार बार उन पर अटैक करके बार बार उन्हें किसी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश करना, उनके लिए किसी समस्याओं को क्रिएट करके भी। तो एट्रिशन का मतलब होता है अपने एनिमी को कमज़ोर करना, बार बार उस पर अटैक करके या उनके लिए समस्याएं खड़ी करके। सिनोनिम हो जाएगा कोरोजन, इरोजन, अंडरमाइनिंग, वेस्ट। एंटोनिम हो जाएगा बिल्डअप। दे आर ट्राइंग टू स्टॉप द एट्रिशन ऑफ दियर राइट्स, यानी कि अपने अधिकारों की जो कमी की जा रही है, कमज़ोर किया जा रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका आपका वर्ड ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है बिहेवियर दैट इज़ ब्रेव बट लाइकली टू शॉक और ऑफेंड पीपल। सो यू मस्ट हैव दिस मच ऑडेसिटी टू फेस द पब्लिक। आपके अंदर इतना ऑडेसिटी होनी चाहिए, इतना करेज होना चाहिए इस तरीके का बिहेवियर शो करना, जो बहुत ही बहादुरी को तो दिखाए लेकिन हो सकता है कई बार लोगों को ऑफेंड कर जाए, तो उसे कहते हैं ऑडेसिटी मतलब करेज, बोल्डनेस, आपका बोल्ड होना। ऑडेशियसनेस, ब्रैशनेस, ब्रेजीनेस, ब्रेजननेस, चीक, चीकीनेस, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। शी विशल्ड एट द शेयर ऑडेसिटी ऑफ द प्लान, तो प्लान के शेयर ऑडेसिटी पर उसने विसल किया, यानी कि ऑडेसिटी मतलब ऐसा बिहेवियर जो लोगों को ऑफेंड कर सके लेकिन बहुत ही ब्रेव है। ऑल राइट, सो वी विल कीप इट टिल हेयर। आई होप जितना पढ़ाया आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरा रेफरल कोड, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए पहले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा इस रेफरल कोड को नोट कर लीजिए अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट पाने के लिए। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है, और इस मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रेगुलर वीडियोज़ अभी आपको मिल रहे हैं, तो आपका भी ये आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इसे रेगुलरली अटेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।